الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى الطيبين وصحبه المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. इन चैलेंजों का और जिन मुश्किलात का इस वक्त हमें सामना है, उम्मत मुस्लिमा को सामना है और खासकर तशैयों को जिन मुश्किलात का सामना है, उसके लिए सबसे मुअस्सर जरिया, सबसे ताकतवर जरिया, सबसे तवाना सबब जिसके जरिया हम इन बहरानों पर काबू पा सकते हैं और इन चैलेंजों का सामना कर सकते हैं, वो इल्म की नशर व इशाअत है। इल्म एक ताकत है, इल्म एक कुव्वत है, इल्म एक रोशनी है जिसके ज़रिया हम इन चैलेंजों पर और इन बहरानों पर काबू पा सकते हैं और तशैयों की पेशरफ्त में हकीकी तशैयों के तारों में और पहचान में अपना रोल अदा कर सकते हैं। दीनी मराकज को मजबूत बनाना, दीनी मराकज को तवाना करना बनाना हर लिहाज से, माली लिहाज से, इल्मी लिहाज से, नज्म व नस्क के लिहाज से, मुहतवा के लिहाज से, हर हवाले से दीनी मुअस्ससात को, इदारों को, मराकज को, मदारस को मजबूत बनाना किसी कौम की जिंदगी की अलामत है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर इन मराकज को मजबूत बनाएं और इनके जरिया इस्लाम की और दीन की नश्र व इशाअत करें। हम दूसरे हवालों से तो अपने बच्चों को के लिए इंतजाम करते हैं, उनकी अच्छी तालीम के इंतजाम, अच्छे रहन सहन के इंतजाम, उनको जिस हद तक मुमकिन होता है बीमारियों से बचाने के इंतजाम, उनकी सेहत व आफियत के इंतजाम करते हैं, लेकिन उनकी तहजीब को बचाने, उनके अकीदे को बचाने, उनकी फिक्र और सोच को बचाने, इस हवाले से हम बहुत कमजोर हैं। हमारी तवज्जो बहुत कम है। हमारी नस्लें अगर गैर इस्लामी तहजीब और उसके असरात से मुतासर अगर हो रही है तो हम अव्वल तो इस तरफ मुतवज्जे कम हैं, हमारी अपनी कमजोरी है, और फिर उसके लिए जाहिर है जब मुतवज्जे नहीं है तो इंतजामात भी उसके लिए नहीं है। लेकिन जो जाहिरी जिंदगी के हवाले से जनाब सैयदा ने जिस अंदाज में बच्चों की परवरिश की और तरबियत की, और कभी वक्त हो तो मैं बताऊंगा कि जो तरबियत का निज़ाम मकतब अहले बैत के अंदर है, शायद किसी और मकतब में ऐसा तरबियती निज़ाम मौजूद न हो। मुरू सुफियान कुंडलात इजाफा सबा, बच्चों को हुक्म दो नमाज का जब 7 साल के हो जाए, सिखा के नहला धुला के नजीर और ताहर करके उनको पाकिजा करके मस्जिद में ले जाओ ताकि मस्जिद के आदाब को सीखे। वज़रबू मेरा बलग वशरा, हमारी फिकी किताबों की इब्तदा में ये बातें मौजूद हैं। और जब 10 साल के हो जाए तो पिटाई करके पढ़ाओ, उनको नमाज की आदत डालो, ताकि जब 15 साल का बच्चा हो जो बालिग होता है, या जब बेटी जब बालिग हो तो उसे फिर आपको कहना न पड़े कि अब नमाज का वक्त हो चुका है। तरबियत ऐसी हो कि उसके अंदर से आवाज आए कि नमाज का वक्त हो चुका है, मुझे नमाज पढ़नी। और बहुत मुश्किल है, हमारी मुश्किलात में से एक बड़ी मुश्किल ये है कि शियों के अंदर नमाज के हवाले से बहुत कमजोरी है।
और इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ तरबियत नहीं है। और दूसरे मकातब में आप देखें जहाँ नमाज का वक्त होता है बसें मसाओं का रुक जाती हैं, ट्रेनें रोक दी जाती हैं, और जो लोग अपने ज़राए इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो रोक देते हैं, मस्जिदों में या जहाँ जगह मिले नमाज पढ़ते हैं। हमारे यहाँ प्रोग्राम चलते रहते हैं लेकिन नमाज की कोई खबर नहीं होती। इनको कुबिल नमाज सेवा रुद्ध, ये इस्लामी तहजीब के की बुनियादी बातें हैं। नमाज मेयार है, अगर नमाज कबूल है तो बाकी अमाल जितने भी हैं, किसी अमल की कैद नहीं है, तमाम अमाल की कबूलियत का मेयार नमाज। क्योंकि आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं और जो मुश्किलात तशय्यो को है, वजूद के हवाले से, तशय्यो की बका के हवाले से, और मुझे इस बात पर मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ये सआदत है कि मैं इस वक्त तशय्यो के वजूद और बका के मैदान में हूँ। तशय्यो की हुकूक और शहरी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ के मैदान में बहुत सी मुश्किलात हैं और दरपेश मुश्किलात भी हैं और सिलसिला चल रहा है, लेकिन हमने जनाब सैयदा की सीरत से सबक हासिल करते हुए अपने हुकूक पर कभी सौदाबाजी नहीं की और एक इंच पीछे हटने के लिए कभी तैयार नहीं हुए। शहरी आज़ादियों का तहफ़्फ़ुज़ किया, बहुत है मुश्किलात हैं, मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ी मुश्किल है जो लोगों का कत्लेआम हो रहा है तशय्यो का, उसकी तरफ भी हमारा ध्यान है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हिकमत से, दानाई से, बसीरत से, वो बसीरत जो जनाब सैयदा और उनकी औलाद से हमें मिलती है, और वो हिकमत और दानाई जो अली इब्न अबी तालिब के खजाने फैज से हमें मिली है, उसके जरिए मैं समझता हूँ कि हम इन मसाइल का मुकाबला कर सकते हैं। और अपने वजूद का हमने तहफ़्फ़ुज़ किया, अपनी बका की जंग लड़ी, और हम तशय्यो की इज्जत और आबरू के तहफ़्फ़ुज़ करने में और उसको बुलंद कर रखने में लोग पूछते हैं कि आप मीडिया पे नहीं हैं, तशय्यो की अजमत के खातिर मैं मीडिया से पीछे हटा, इसलिए कि साजिश ये थी कि मेरे साथ कुछ ऐसे लोगों को बिठाया जाए जो इस काबिल नहीं थे कि वो तशय्यो के साथ बैठे। आह नज़लनी अत्ताह अत्ता युकाल वाली वफुला, मौला को सबसे ज्यादा अफसोस इस बात पर था कि आए अफसोस मुझे जमाने ने इतना गिराया कि आज अली के साथ किसी और का नाम लिया जाने लगा। इसलिए हमने हमारी कोशिश ये रही कि तशय्यो की अजमत बरकरार रहे, तशय्यो की इज्जत और आबरू और सरबुलंदी और सरफराजी बरकरार रहे, चाहे दूसरे हवाले से हमें किसी कमजोरी का सामना क्यों न करना पड़े। आज आप देखें कि हमें ये एजाज हासिल हुआ कि हमने तशय्यो का रोशन चेहरा इल्मी अंदाज में, अमली अंदाज में दूसरे मजाहब के सामने पेश किया। आज किसी मकतब फिक्र को के संजीदा लोगों को ये हिम्मत नहीं होती कि वो तशय्यो पर इल्जाम तराशी करे। सदियों से जो इल्जाम तराशियां होती थी इस पर शरीर के अंदर जो फिरकों की मारपीट है, और इसमें तशिया को भी एक फिरका समझकर, हालांकि तशय्यो एक मकतब फिक्र है, एक इत्तेजाद है, एक तहरीक है, एक सोच का नाम है, लेकिन उसको एक फिरका समझकर उस पर इल्जाम तराशियां की जाती रही और उसको उसकी अजमत को कम करने की कोशिश की जाती रही। हमें ये एजाज बख्शा मौला ने कि हमने तशय्यो का रोशन चेहरा दुनिया के सामने पेश किया, और इस रोशन चेहरे के हवाले से मैं आपको भी मुतवज्जे करता हूँ कि कोशिश कीजिए कि तशय्यो का चेहरा दागदार न होने पाए। हम नुसैरी नहीं है, नुसैरी नहीं है, शिया है, मैं शियों की तर्जमानी करता हूँ, नुसैरियों का तर्जमान नहीं है। तशय्यो का रोशन चेहरा दुनिया के सामने महफूज रखना और उसको इस अंदाज में रखना कि आज संजीदा लोग, तमाम मजाहब जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जिनके ऐन वसत में हम बैठे हैं, उनमें से कोई भी इल्जाम तराशी की जरूरत नहीं कर सकता, इसलिए कि हमने बड़े रोशन और वाज़ेह अंदाज में ये चेहरा पेश किया।
और कशैयों की अजमत को भी ऐसे महफूज रखा कि आज हम दीनी जमातों के ऐन वसत के अंदर मौजूद हैं, बल्कि ऐन मसनद सदारत पर बैठे हैं। और वो जो हमें गालियां बकते थे, जो गलीज नारे लगाते थे, जो गलीज फतवे दिया करते थे, जिन पर अरबों रुपया खर्च हुआ, आज वो गंदगी के ढेर पर वो दूर खड़े हुए। इसलिए अलबत्ता ये जो कशैयों के खिलाफ दूसरी साजिश है, उनके जान माल के जो दरपे है लोग और कतलेआम है तशैयों का, मैं समझता हूँ कि ये भी मरहला जिस अंदाज से हमने गुजारा था कि तशैयों का नुकसान कम से कम हो, वो भी आखिरी मरहल में। नेशनल एक्शन प्लान बन चुका, इससे पहले नेशनल एक्शन पॉलिसी बनने जा रही थी जो नहीं बन सकी, नेशनल एक्शन प्लान बना और उसके बनने के बाद चार वाकयात तसल्लुक के साथ तशैयों के खिलाफ हमने उस पर आवाज उठाई। और मैं ये समझता हूँ कि नेशनल एक्शन प्लान जो है, अगर उस पर अमल दरामद नहीं होता तो रियासत की बहुत बड़ी नाकामी और कमजोरी है। हम संजीदा लोग हैं, हम समझते हैं हालात को, हालात की गहराई को भी समझते हैं। पाकिस्तान से हमें मोहब्बत है, पाकिस्तान की रियासत को मैं फेल होता देखना नहीं चाहता, लेकिन रियासत फेलियर की तरफ जा रही है। बड़ी कोशिश की, बार बार मुतवज्जे किया कि ये चीज काबिल कबूल नहीं है, हम दूसरा रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहते, मेरे पास बहुत से ऑप्शन हैं, लेकिन मैं वो ऑप्शन जिससे तशैयों का नुकसान कम से कम हो, वही रास्ता हमने इख्तियार किया और अभी तक उसी रास्ते पर कायम। लेकिन मैं देख रहा हूं कि अगर नेशनल एक्शन प्लान भी नाकाम होता है तो मैं समझूंगा कि रियासत नाकाम है, और रियासत नाकाम होते हुए हमें ये कह रही है कि आप अपने तहफ्फुज़ के आप खुद इंतजाम करें। अगर ये बात हुई तो मैं समझता हूँ कि हमें ये कुव्वत है, हमें ये ताकत है, हमें ये सोच है, हम ये कर सकते हैं कि अपने तहफ्फुज़ के लिए खुद इंतजाम करें। आज सूरत हाल बहुत गंभीर है, इसलिए हमें इसके साथ साथ अपनी सफों के अंदर इत्तेहाद पैदा करना चाहिए। सोच एक जैसी होनी चाहिए, वाज़े और रोशन होना चाहिए अपने मौकफ में, मिली मसलहत और मफादात को समझने में, और उनके लिए एक जानदार मौकफ इख्तियार करने में हमें वाज़े होना चाहिए। इख्तलाफ नजर होता है, इख्तलाफ नजर कोई हद नहीं है, लेकिन मिली मफाद और मफादात के लिए, मिली मसलहत के लिए, मिल्लत के मफाद के लिए हमें एक मौकफ हमें सामने रखना चाहिए और उस मौके को लेकर चलना चाहिए। तशैयो मुल्क का एक ताकतवर हिस्सा है, किसी कमजोरी की बुनियाद पर या किसी मजबूरी की वजह से हमने वहादत और इत्तेहाद का रास्ता इख्तियार नहीं किया, बल्कि हमारा मिशन है और हम इस जरिए मुल्क के अंदर एक अच्छी फजा पैदा करना चाहते हैं। और अब मैं समझता हूँ कि वो मरहला आ चुका है कि तशैयो के तहफ्फुज के लिए भी रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि वो इंतजाम करे। मैंने देखा, मैंने सवाल उठाया था शिकारपुर में कि 26 एजेंसियां तस्लीम की हैं वजीर दाखिला ने असेंबली के अंदर, तो वो 26 एजेंसियां हुकूमतों को क्यों नहीं बता सकी कि ये वाकयात होने वाले हैं, और होने के बाद भी अब तक उनके सिलसिले में कोई हकायक जो है वो मंजर आम पर नहीं लाए जा सके। हकायक मंजर आम पर लाए जाने चाहिए और इसका एक ठोस इंतजाम होना चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान पर जोरदार तरीके से, वाज़े तरीके से अमल होना चाहिए। इसके इशारे दिए गए हैं बाज़दारों की तरफ से, लेकिन हम मुंतजर हैं, और अगर अमल नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि हम अपनी वहादत की कुव्वत से, इत्तेहाद की कुव्वत से इस मसले का मुकाबला भी करेंगे और अपने तहफ्फुज़ को इस मुल्क के अंदर यकीनी बनाएंगे।